नमस्कार, मैं प्रिंस ओझा और आप देख रहे हैं के न्यूज 24। डीलर के विरुद्ध उपभोक्ताओं ने किया प्रदर्शन। पर्ची काटकर भी राशन नहीं देने के उपभोक्ताओं ने लगाया आरोप। परसा पंचायत के वार्ड नंबर 6 और 7 का है मामला। खबर बिहार के बगहा से है, जहां पारस पंचायत के डीलर द्वारा फरवरी और मार्च माह का राशन नहीं देने की शिकायत को लेकर आक्रोशित उपभोक्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। उपभोक्ताओं का कहना है कि जनवितरण दुकानदार रविंद्र राम पर्ची निकालकर पर्ची तो दे दिया है, लेकिन राशन मांगने पर टालमटोल कर रहा है। दर्जनों राशन कार्डधारियों ने बताया कि डीलर द्वारा फरवरी और मार्च माह का पर्ची निकालकर दे दिया गया है, लेकिन राशन के लिए आजकल कहते हुए परेशान किया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीणों ने बताया है कि हम लोगों को 3 किलोमीटर की दूरी तय कर डीलर के घर जाना पड़ता है तथा बिना राशन कार्ड के बैरंग लौट जाना पड़ता है। उपभोक्ताओं में सद्दाम हुसैन अली हसन, शतन शाह, मुमताज आलम, चांद बाबू, मोहम्मद नाजिर, इम्तियाज आलम, मोहम्मद मोजीबुल्ला, उमरा खातून, रुबैदा खातून, ताहिर मियां, जोहरा खातून आदि राशन कार्ड धारियों ने बताया कि डीलर द्वारा फरवरी और मार्च माह का पर्ची निकालकर दे दिया गया है, लेकिन राशन के लिए आजकल कहते हुए परेशान किया जा रहा है। उक्त डीलर के विरुद्ध पूर्व में कई बार ऐसी शिकायतें उपभोक्ताओं द्वारा की जा चुकी हैं और डीलर का गोदाम सील भी किया गया था, लेकिन अनियमितता की शिकायत आज तक खत्म नहीं हुआ। उपभोक्ताओं का कहना है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर राशन नहीं मिला तो हम लोग मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाएंगे और आंदोलन पर बैठ जाएंगे। इस संदर्भ में डीलर रविंद्र राम का कहना है कि कुछ ही लोगों का राशन कार्ड बाकी है, जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। इस बाबत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नितेश कुमार ने बताया कि जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। 3 माह से राशन हम लोग को नहीं मिला है। अभी डीलर के दरवाजे पे जाने के बाद वो बोलता है कि जा आज देंगे कल देंगे, इसी तरह 3 महीने से टाल। डीलर कौन है? रविंदर राम। इसलिए बैठे कोई बेर तो उसके लंगर गोट बहुत बिकलंग कोई बेर कोई गले दिसंबर से हमारा राशन रुकला बैठा गोइला पर पूरी कार्ड दे दा भियान मिले चाचा पोर्सन मिले चाचा कौर जोर ले दा गोइला पर देते नहीं करता लाओ। क्या नाम पड़ी राहुल? ताहिर मियां। समय से अब 4 बीट नहीं खोन दले आ उठा के निशान पके बिल। मामला यही है कि डीलर है रविंदर राम, सारे लोगों को टहला रहे हैं, राशन नहीं दे रहे हैं 3 महीना दिन से, आज देंगे कल देंगे, सब लोग दौड़ के आ रहा है और कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं वो। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सत्तन शाह। कौन? वार्ड नंबर 6। पंचायत कौन है? परसा। अपने के राशन मिलता कितना दिन से? आइए अब आपको ले चलते हैं बिहार के बगहा में, जहां पर अनुमंडल पदाधिकारी शेखर आनंद ने बगहा अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं उनके द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर बगहा बेतिया NH-727 मुख्य मार्ग पर मास्क भी जांच किया गया। तदुपरांत अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में बना आइसोलेशन बेड का निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा देखा गया कि कितनी संख्या में बेड और ऑक्सीजन गैस की टंकी अस्पताल में उपलब्ध है। साथ ही अनुमंडलीय पदाधिकारी शेखर आनंद ने बताया कि अनुमंडल अस्पताल में 50 बेड और ऑक्सीजन की टंकी लगभग 50 है। वहीं उनके द्वारा ऑक्सीजन की टंकी और बेड को अधिक बढ़ाने की बात कही गई, ताकि कोविड-19 का केसेस आते हैं तो उससे आसानी से निपटा जा सके। और उनके द्वारा बताया गया कि कोविड-19 से डरे नहीं बल्कि सावधानियां बरते। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। आइए अब रुख करते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की ओर, जहां पर बेतिया से बड़ी खबर आ रही है। बेतिया के संत घाट में बीती रात अचानक आग लगने से राधिका गैस गोदाम धू धू कर जलकर राख में तब्दील हो गया। बता दें कि आग इतनी भयंकर थी कि एक एक कर करीब 50 से अधिक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। आग देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गई और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को घटना स्थल से दूर हटने की अपील करती रही। वहीं सूचना पर करीब आधा दर्जन अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक ट्रक समेत दर्जनों सिलेंडर जलकर भस्म हो चुके थे। हालांकि आग कैसे लगी इसकी सटीक जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। साथ ही इस घटना में किसी जान माल की क्षति होने की सूचना नहीं मिली है। देखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण से जयप्रकाश मिश्र की ये रिपोर्ट। कहाँ पड़ता है?